हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल शमाज कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे से रख भी रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आई होप आपने SHM कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो बात करते हैं ब्लवेनो क्रीम के बारे में। ब्लवेनो क्रीम 20 ग्राम की पैकेजिंग में अंडर 300 ऑनलाइन या फिर मेडिकल स्टोर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट पर नज़र डालें तो इंग्रेडिएंट में शामिल है कोजिक एसिड, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, ल्यूकोराइज, आर्बुटिन, विटामिन ई, सेबी वाइट, टर्निक एसिड। जैसे कि हम जानते हैं कि कोजिक एसिड, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, आर्बुटिन और सेबी वाइट, ये जो इंग्रेडिएंट है, खासकर यही वाले जो इंग्रेडिएंट हैं वो स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये हमारी स्किन का जो मेलानिन है उसको कम करके डेड सेल्स को रिमूव करके हमारे स्किन टोन को निखारने में मदद करते हैं। इसमें सेबी वाइट का यूज़ किया गया है। सेबी वाइट जो है वो हल्दी के प्लांट से प्राप्त किया जाता है, हल्दी के प्लांट के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हल्दी हमारे स्किन कलर को साफ़ करने में मदद करती है, स्किन टोन को जो है निखार और यूवी प्रोटेक्शन भी देती है। वैसे तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिल्कुल सेफ़ हैं और सेफ़ तरीके से ही जो है काम करते हैं, हमारी स्किन को जो है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से रंग को नहीं निखारेंगे। जैसे कि इसमें जो है अब बात करते हैं इसको यूज़ करने की, तो इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको इसको सिर्फ रात में ही यूज़ करना है, और रात में जो है फेस वॉश करने के बाद में थोड़ी सी जो क्रीम है वो अपने चेहरे पर लगानी है और अच्छे से फैलाकर लगानी है। क्योंकि रात में लगाया हुआ कोई भी क्रीम या कोई भी रेमेडी जो होती है वो स्किन पर अच्छी तरह से काम करती है। जो भी आपकी स्किन पर कहीं भी डार्क हो रही है स्किन, या फिर आपके स्किन पर मेलानिन है, या फिर आपकी जो है स्किन जो है काले काले छोटे छोटे धब्बे हैं, तो आप उस जगह पर, खासकर उस जगह पर इस क्रीम का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये उस चीज़ को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल है। 18 के बाद ही इस क्रीम को यूज़ किया जाए। मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को